हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पनीर सैंडविच। पनीर सैंडविच खाने में तो टेस्टी होता ही है, प्लस ये हेल्दी भी होता है। तो चलिए फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए जस्ट एक पैन लिया है। पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल की जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा गार्लिक लिया है, थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली को हल्का सा सॉटे करेंगे कि हमारे लहसुन और ग्रीन चिली थोड़ा सॉटे हो जाए। उसके बाद मैं इसमें वन अनियन को चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये जब थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। जस्ट एक शिमला मिर्च को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट एक चम्मच मैंने लिया है। गोल मिर्ची, चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास ऑरिगेनो था इसलिए मैंने इसके टेक्सचर के लिए ऑरिगेनो ऐड कर दिया था। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि इसके अंदर का जो वाटर है वो थोड़ा सा ट्रांस वाटर है वो थोड़ा सा हट जाए। अब मैं इसमें टोमेटो ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप सॉटे कर लीजिएगा। हमें इन्हें कुछ ज़्यादा भी नहीं पकाना है ताकि ये बिल्कुल ही गीला सा हो जाए। बस इन्हें हल्का सा सॉटे करना है ताकि इसमें क्रंचीनेस भी बनी रहे। ये थोड़ा सा छीना है, छीना या पनीर आप कुछ भी ले सकते हो। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और बस इसमें ऐड कर लेना है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे जो वेजिटेबल्स थे वो भी अच्छे से हो चुके थे और इन सबको मैशअप कर लिया है। अब हमारा फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब फटाफट से सैंडविच भी बना लेते हैं। तो सैंडविच के लिए जस्ट 2 ब्रेड लिया है। एक ब्रेड, दोनों ब्रेड पे मैं मेयोनीज डाल रही हूँ। अब जो हमने फिलिंग ऐड किया, फिलिंग बनाया था ना, बस वो फिलिंग इसमें ऐड कर देंगे। फिलिंग अच्छे से फिल कर देना है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मेरी चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह की प्यारी प्यारी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो बस हमारा ब्रेड भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे फटाफट बना लेंगे क्योंकि यार मुझसे तो वेट नहीं होता जब मैं कुछ बनाती हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा सबके साथ ही होता होगा। देखिए बिल्कुल एक तरफ से कितनी अच्छी क्रिस्पी सा हुआ है हमारा ब्रेड। तो बस दोनों तरफ से हम अपने ब्रेड को सेक लेंगे। हमारी सैंडविच रेडी हो चुकी है। तो लेट्स टेक एंजॉय।